तो आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिसके थ्रू हम ऑड और इवन नंबर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। एक्टिविटी शुरू करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना होगा, एक ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। ऑड नंबर मतलब ऐसा नंबर जो बराबर यानी इक्वली डिवाइड नहीं होता, यानी जिसके बराबर दो दो के पेयर नहीं बनते। और इवन नंबर मतलब जो बराबर यानी इक्वली डिवाइड हो जाता है, यानी टू टू के पेयर बन सकते। तो अब हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ सामग्री है जिसमें मार्बल्स हैं, कुछ कार्ड्स हैं नंबर के और एक बोर्ड है। अब हम यहाँ से कार्ड लेंगे और देखेंगे कि वो कार्ड में जो नंबर आ रहा है वो ऑड है या इवन नंबर। तो मैंने ये लिया नंबर 12। अब हम 12 मार्बल्स लेंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखते हैं ये 12 बराबर है क्या नहीं। 12 के हम बराबर 2-2 के पेयर बना के देखते हैं। ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, दिस वन 4, 5, 6। वाओ, 12 के बराबर 6 पेयर बन गए। इसका मतलब 12 इवन नंबर है। फिर से करके देखते हैं। अब हम और एक कार्ड लेंगे और उसे देखते हैं कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो ये कार्ड हमने लिया, ओ ये तो 19 है। चलो अब इसे देखते हैं 19 ऑड नंबर है या इवन नंबर है। सो अब हम 19 मार्बल्स लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगर 19 मार्बल्स के बराबर इक्वली 2-2 के पेयर्स बनते हैं तो हमारा ये 19 इवन नंबर हुआ। और अगर 19 के बराबर 2-2 के इक्वल्स पेयर्स नहीं बनेंगे तो ये ऑड नंबर होगा। लेट्स सी, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर्स, 5 पेयर्स, 6, 7, 8, 9, ओहो 1 लेफ्ट। इट मींस 19 ऑड नंबर है। देखिए यह एक्टिविटी आप भी अपने घर में करिए और आसानी से ऑड और इवन नंबर का